मंत्री शपथ ले रहे हैं। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री शपथ ले रहे हैं। आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली जा रही है। नई सरकार के गठन के 2 महीने बीत जाने के बाद आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली जा रही है। इस दौरान तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। इस दौरान शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी दावेदार के पुराने चेहरों में से एक हैं, वो भी शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में आज 2 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल शपथ ली जा रही है। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत राज के बाद सहरसा के चुनाव जीतकर आए आलोक रंजन ने मंत्रिमंडल पद की इस दौरान शपथ ली। आलोक रंजन आपको बता दें आलोक रंजन ब्राह्मण समुदाय में आते हैं और इससे पहले वो विधायक बने हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी में मंत्रिमंडल की पद की शपथ ली। इस दौरान सुनील कुमार के बाद जेडीयू के तरफ से सबसे युवा चेहरा जयंत राज ने भी शपथ ली। आपको बता दें वो जानदन माझी के पुत्र हैं और अमरपुर सीट से जेडीयू के विधायक रहे हैं। इस बार उनकी सीट पर बेटे को मौका मिला है और पहली बार जीत के बाद वो मंत्री बनाए गए। सुनील कुमार के बाद चंपारण से जीत कर आए नारायण प्रसाद ने भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ली। आपको बता दें वो वैश्य समुदाय से आते हैं। सुमित कुमार सिंह के बाद बिहार के डीजी रहे सुनील कुमार ने भी शपथ ली। वो गोपालगंज जिले से शपथ